आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खराब डोरबेल को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आपकी डोरबेल है, ठीक है, और ये आपकी ख़राब है, ठीक है। आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसे खोलने सबसे पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, आप इसे खोल लेते हैं। और खोलने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे करके ये निकाल कर ये खोल लिया आपने, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि आपकी ये डोरबेल है, डोरबेल में, ठीक है, ये इसकी एक कॉइल लगी हुई है। अब इस कॉइल को भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। और दूसरा पेज भी आप खोल लेते हैं। ये खोल दिया मैंने, ठीक है। ये खोलने के बाद इसकी एक कॉइल, ये देखिएगा, ये कॉइल है इसकी, और ये कॉइल जो इसकी बिल्कुल फूक चुकी है। ये देख रहे हैं आप, तार इसका टूट चुका है, इसलिए आपकी कॉइल जो फूक चुकी है। इसके कॉइल के अंदर ये आपकी रॉड होती है, ठीक है, जो आपकी जैसे ही इसमें कॉइल में आप करंट देते हैं, इसमें मैग्नेट बनती है और ये आपकी एक्टिव होती है। इस रॉड से, इस एल्युमिनियम प्लेट से टच होती है जिससे साउंड निकलती है, ठीक है, आवाज़ होती है। अब ये आपकी कॉइल है, आप इसको, ये जो मेन काम होता है इस कॉइल का होता है, देखिएगा ये कॉइल आपकी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अब आप इस कॉइल को ही आपको बांधना, इस कॉइल को बांधने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको इस कॉइल को आप जो इस तरीके से इसके ये कॉपर जो कॉइल है बनी हुई है वो आप काट के साफ कर लीजिएगा। मैंने इस बॉबिन को जो पूरी तरीके से साफ़ कर लिया, यानी कि इसका जो पुराना कॉपर जो लगा हुआ था वो बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिया। अब इस बॉबिन पर बार को आपको वो जो कॉपर लपेटना है, वायर जो लपेटनी है, उसके लिए आप क्या लेना है, एक स्लिप ले लीजिएगा, ठीक है। और इस स्लिप में आप क्या करिएगा कि इस वायर को पहले इसमें डालिएगा अंदर, इस प्रकार से अंदर डाल दीजिएगा जी। ये आपका इधर से निकल के आ गया, और इसे आप इस पर लपेट दीजिएगा ताकि ये आपकी वायर खींच ना पाए, ठीक है। और अब आप इस वायर को क्या करते हैं, इस वायर को आपको इस पर लपेटना है। तो आप ये कट देख रहा है, इस कट पे आप यह लगाइएगा इसे ऐसे, इस प्रकार आप इसे पूरी, इस पर आपको पूरी बॉबिन पर ये वायर आपको लपेटनी है। आप अगर इस कॉइल को आप मशीन से ही बांध सकते हैं और अपने हाथ से भी, हाथ से बांधते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इस कॉइल को बहुत टाइट करके लपेटना है, इतना टाइट ताकि ये लूज ना रहे, ठीक है। इसे लपेटते समय आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें 38 नंबर का ये वायर गेज है, इस 38 नंबर की गेज से मैं इसमें 3500 का टर्न मैंने डाल रहा हूँ, मैं 3500 टर्न मैंने इसमें डाले, आपको भी इतने ही टर्न इसमें डालने हैं जी। जब आपकी कॉइल बन के ये लिपट के कंप्लीट हो जाए तो अब आप क्या करते हैं, इसके दूसरे सिरे में भी, इस वाले सिरे में भी आप ये स्लिप डाल देते हैं इस तरीके से। ये स्लिप इसमें आपको डालनी है और इस प्रकार से आपके ये दूसरे सिरे में स्लिप आ जाती है, सिरा आ जाता है, और इसे भी आप इस प्रकार से यहाँ इस पर लिपेट देते हैं ताकि ये खींचे ना, ठीक है। और इसे आप टाइट करके लपेट देते हैं। लपेटने के बाद आप क्या करते हैं कि इस पे, इस कॉइल पे आप सेलो टेप लीजिएगा, आप ये सेलो टेप इस तरीके से लगा देते हैं जी। इस तरीके से आप चार तरफ इसे सेलो टेप लगा दीजिएगा ताकि आपकी वायर जो है वो इस बॉबिन से बाहर ना निकले। ये सेलो टेप लग चुका है, अब आपकी ये कॉइल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस कॉइल को हम इसके इस डोरबेल में सेट करते हैं। डोरबेल में सेट करने से पहले आप ये जो रॉड है, इस रॉड को आप इस होल में इस प्रकार से डाल दीजिएगा, और डालने के बाद जो आपकी ये गैप दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपकी कॉइल को आपको फिट करना है। और कॉइल को फिट करते समय आपको ये स्प्रिंग यहाँ ऐसे बैठा कर इस
इस प्रकार आपको कॉइल बैठा देनी है और स्प्रिंग भी आपका सही बैठना चाहिए। देखिए आपका स्प्रिंग से बैठ रहा ये, ये। ये बैठ चुका है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें करंट देंगे, मैं आपको इसके बताते हैं इसका कार्य कैसे करती है। जैसे ही हम इसमें कॉइल में एसी देते हैं, ठीक है, तो एसी देने के जैसे ही अब इसमें एसी देंगे तो ये इसमें मैग्नेट बननी शुरू हो जाएगी। मैग्नेट बनेगी तो मैग्नेट बनने से आपकी ये जो रॉड है एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी इस तरीके से चली शुरू हो जाएगी, ये इस तरह से चली क्योंकि इसके अंदर जो गैप है आपका होल में जो जिसमें हमने रॉड डाली है गैप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कार्य करना शुरू कर देगी। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें कमी दिखाई देती है या मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ये देखिए अब आपकी डोरबेल बनके तैयार हो चुकी है। इसका पेच लगा दीजिएगा, ये आपकी कॉइल सेट हो चुकी है। देखिए जैसे हम एसी लगाते हैं आपकी घंटी बज रही है, देखिए ओके, अब आपकी घंटी ओके हो चुकी है।